हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को एमएक्स कंप्यूटर में। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि अगर हमें पीडीएफ फाइल के अंदर अगर एक पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो दोस्तों कैसे लगाएंगे, सारे चीज़ इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे। दोस्तों साथ में ये भी सीखेंगे कि अगर हमें एमएस वर्ड के फाइल के अंदर अगर हमें पासवर्ड लगाना हो तो दोस्तों कैसे लगाएंगे, दोनों तरीका इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आपको स्टेप बाई स्टेप समझाएंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखेंगे अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम एमएस वर्ड को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों नीचे आएंगे तो नीचे आपको सर्च बार मिल जाएगा। आपको क्या करना है कि यहाँ पे वर्ड लिखना है। देखिए यहाँ पे जैसे ही वर्ड लिखेंगे तो आपको यहाँ पे वर्ड आ जाएगा। सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो आपका एमएस वर्ड यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों एमएस वर्ड स्टार्ट होगा तो कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। आपको क्या करना है कि इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। दोस्तों इसके अंदर हमें सेव करने के लिए यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट को लिख लेते हैं। दोस्तों आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, तो सिंपल हम इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं। तो सिंपल यहाँ पर हम एक फार्मूला का यूज करते हैं और इसका यूज कर इसके अंदर हम यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट लिख चुका हूँ और इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इस फाइल के अंदर हम यहाँ पे पासवर्ड लगाएंगे, मतलब कि एमएस वर्ड के फाइल के अंदर पासवर्ड लगाएंगे। दोस्तों एमएस वर्ड के फाइल के अंदर पासवर्ड लगाने के लिए हम क्या करेंगे, जाएंगे फाइल के अंदर, ऊपर में आएंगे तो आपको फाइल का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको क्या करना है कि इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको एक इन्फो का ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे इन्फो का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको क्या करना है कि इस इन्फो पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे दोस्त देखेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। देखिए और यहाँ पे प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। आपको क्या करना है कि इस पर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसा एक डायलॉग्स बॉक्स ओपन होगा। आपको क्या करना है कि दो नंबर ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों आपको दो नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पासवर्ड मांगेगा। सिंपल क्या करना है कि यहाँ पे जो भी आप पासवर्ड देना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ पे आप पासवर्ड दे देंगे। देखिए यहाँ पे हम पासवर्ड लिख लेते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, ओके करेंगे तो फिर हमें वही पासवर्ड यहाँ पे डालना होगा। मतलब कि दो बार हमें इसके अंदर पासवर्ड डालना होता है, तो सिंपल हम फिर वही पासवर्ड इसके अंदर डालेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। दोस्तों ओके करने के बाद दोस्तों ये जो हमारा फाइल है इसके अंदर पासवर्ड लग चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से बैक आएंगे और बैक आने के बाद दोस्तों इस फाइल को जैसे ही सेव करेंगे ना तो इसके अंदर पासवर्ड लग जाएगा। तो सिंपल हम इस सेव वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और डेस्कटॉप पे जाते हैं और यहाँ से डेस्कटॉप पे जाने के बाद इस फाइल का कुछ नाम देकर हम इसे सेव कर लेते हैं। तो सिंपल हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से एमएक्स लिख लेते हैं और करने के बाद दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ से सेव कर देंगे। दोस्तों क्या होगा कि ये जो हमारा फाइल था एमएस वर्ड का, इसके अंदर पासवर्ड लग चुका है। तो सिंपल हम इसे क्या कर लेते हैं, इसे क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद दोस्तों देखेंगे डेस्कटॉप पे हमारा जो फाइल था वो यहाँ पे सेव हो चुका है। जब हम इसको ओपन करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे हमें पासवर्ड मांगेगा। जैसे ही हम पासवर्ड डालेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, नहीं तो ये ओपन नहीं होगा। तो सिंपल हम इस पर क्लिक करते हैं और जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे हमें पासवर्ड पूछ रहा है। दोस्तों यहाँ पे हम जैसे ही पासवर्ड को डालेंगे और यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा कि यहाँ पे ओपन हो जाएगा। दोस्तों ये तो तरीका है हमारे एमएस वर्ड के अंदर पासवर्ड लगाना। दोस्तों हम इसी फाइल के अंदर अगर हम चाहते हैं पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाए और उसके अंदर पासवर्ड लग जाए तो दोस्तों वो कैसे लगाएंगे, ये भी हम इस वीडियो के अंदर हम जान लेते हैं। तो सिंपल क्या कर लेते हैं, सिंपल दोस्तों देखेंगे इसके अंदर हमारा पासवर्ड लग चुका है लेकिन ये हमारा एमएस वर्ड के अंदर लगा हुआ है। दोस्तों बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि दोस्तों इसके अंदर लग चुका है तो जब हम इसे पीडीएफ में सेव करेंगे तो वही पासवर्ड उस पर कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दोस्तों अगर हम इस फाइल के अंदर जाएंगे और इसे सेवेज करेंगे और इस डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, हम नीचे आएंगे तो इस पीडीएफ पे क्लिक कर हम इसको क्या करेंगे कि इस डेस्कटॉप पे जाकर और इसे सेव कर देंगे तो दोस्तों ये हमारा पीडीएफ में तो सेव हो चुका है
लेकिन इसके अंदर पासवर्ड यहाँ पे नहीं लगाए। देखिए दोस्तों ये बहुत आसानी से ओपन हो चुका है। सिंपल हम इसको यहाँ से क्लोज कर लेते हैं और इसको भी क्या करते हैं यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। और यहाँ पे दोस्तों देखेंगे हमारा पीडीएफ सेव हो चुका है, लेकिन जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे हमें पासवर्ड नहीं मांगा, मतलब कि इसके अंदर पासवर्ड नहीं लगा है। सिंपल हम क्या करते हैं जैसे ही हम अपने ओरिजिनल जो एमएस वर्ड का फाइल अगर इस पर हम क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमें पासवर्ड पूछेगा, क्योंकि दोस्तों हम केवल एमएस वर्ड के अंदर के फाइल के अंदर पासवर्ड लगाए थे, हम पीडीएफ के अंदर नहीं लगाए थे। तो सिंपल हम यहाँ से पासवर्ड को क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे तो ये हमारा ओपन हो जाएगा। दोस्तों अब बारी आती है कि कैसे हम अपने पीडीएफ फाइल को बनाते समय कैसे हम पासवर्ड लगाते हैं। तो सिंपल हम क्या करेंगे इस फाइल पे जाएंगे और जाएंगे सेवेज के अंदर, और जाने के बाद दोस्तों डेस्कटॉप के अंदर जाएंगे और सिंपल डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे और सिंपल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे इससे पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों इसके अंदर पासवर्ड लग चुका है। दोस्तों अब हमारा ओपन होगा तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है। जैसे ही हम पासवर्ड को डालेंगे तो हमारा पीडीएफ यहाँ पे ओपन हो जाएगा। देखिए उसके बाद तो दोस्तों इसको क्या करते हैं यहाँ से क्लोज करते हैं और इसको भी यहाँ से क्लोज करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो हम पीडीएफ में पासवर्ड लगाए थे और इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत ही आसानी से यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा और जो आपका डॉक्यूमेंट होगा वो बिल्कुल यहाँ पर सेव होगा। तो सिंपल हम क्या करेंगे यहाँ से पासवर्ड को डालेंगे और पासवर्ड को डालने के बाद दोस्तों जैसे ही हम ओपन पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों देखेंगे ये हमारा पीडीएफ ओपन हो चुका है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।